गाड़ी की कमी की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो डिससैटिस्फाइड हुए थे, तो वो इसकी पावर्स थी। और एक महीना इस गाड़ी को चलाने के बाद हमें बहुत सारे कमियां मिली, जिसकी आज आपके सामने जिक्र करने वाला हूं। और अगर दोस्तों, अगर आप रेगुलर, अगर कहीं अगर आपका प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब, अगर रेगुलर की आपकी ड्राइविंग है, तो आप पल्सर 125cc की बाइक ले सकते हैं। बट हम लोग जैसे कि यंग पर्सन है, तो थोड़ा स्टाइलिश भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए और गाड़ी में पावर भी चाहिए। ये चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा कमी लगी थी पल्सर 125cc में, जो कि आप बाइक देख रहे हैं। और 150cc में, जो कि स्पोर्टी बाइक माना जाता है, उस पर पावर आपको ज़्यादा मिलती है। और माइलेज की बात करें तो 150 और 125cc की, तो आपको इसमें 45 km/h फर्स्ट सर्विसिंग पे आपको माइलेज मिल जाती है, और उस गाड़ी पे 40 के एवरेज के आसपास आपको माइलेज मिलती है। बट पावर में अगर देखा जाए तो पल्सर 150 ही सबसे ज़्यादा बेटर हम मानते हैं। और अगर पल्सर 150cc की बात करते हैं, तो आपको 1,16,000 के अप्रोक्स उस गाड़ी को आप परचेज कर सकते हैं। और इस गाड़ी की ऑनर प्राइस 90,000 के आसपास आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा की गैप देखने को आपको नहीं मिलेगी, 20 से 25,000 की गैप मिलेगी। और अगर ज़्यादा पावर चाहते हैं, तो बजाज पल्सर 150cc की ही बाइक सबसे ज़्यादा बेटर और एक अच्छा बाइक हम मान सकते हैं। पल्सर 125 ये काफ़ी ज़्यादा, अगर देखा जाए 125 ग्लैमर वगैरह से जो टक्कर देखने को मिली है इस गाड़ी को, उससे ज़्यादा बेटर हम मानते हैं ग्लैमर। बहुत से कमेंट आया था कि ग्लैमर ले या बजाज पल्सर 125cc की लें, तो दोस्तों हम सजेशन दें पल्सर 125cc की। काफ़ी अच्छा आपको स्पोर्टी लुक के साथ साथ माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगी। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। एक अच्छी बाइक लेके आएंगे, जिसकी हम रिव्यू करेंगे, और नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी सभी की हम रिव्यू करते हैं ऑटोमोबाइल्स। अगर आप किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी रिप्लाई हम तुरंत देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।